हेलो फ्रेंड्स, आखिर वो दिन आ ही चुका है जी। फ्रेंड्स, कोविड 19 की वैक्सीनेशन रेडी हो चुकी है और इसकी पहली खेप आज दिल्ली में पहुंच भी गई है। जी फ्रेंड्स, दिल्ली के अलावा 12 राज्यों में अलग अलग जगह पर पहुंची है। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि ये अभियान जो है एक देश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाअभियान बन चुका है, क्योंकि 6 करोड़ डोज के साथ में लगभग आपको बता दें 50 से ज्यादा देशों के अंदर 4 हफ्तों से टीकाकरण हो रहा है। लेकिन भारत के अंदर सबसे बड़ा महाअभियान है ये पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि एक साथ जो है 56.5 लाख डोज लगने वाली है। जी हां फ्रेंड्स, दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है इसकी। 16 जनवरी से महाअभियान होने वाला है पूरे देश के अंदर, जहां पर 13 सिटी के अंदर जो है आज से डोज पहुंचना शुरू हो गई है। जी हां फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीनेशन जो है आज से पहुंचना शुरू हो चुकी है। आपको बताते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है आज सुबह ही पहुंच चुकी है। यहां पर जो है 34 पेटियों के अंदर आई है स्पेशल विमान के साथ में, तो इनका वेट जो है 1088 किलोग्राम है। जहां पर दिल्ली में भी जो है 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा, जहां पर 89 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 40 जो है सरकारी हॉस्पिटल है तो 49 यानी 49 जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को चुना गया है। सबसे पहले जो इनकी खुराक का जो टीकाकरण होगा वो होगा स्वास्थ्य कर्मियों पे। वहीं पर दिल्ली के अलावा 12 अलग अलग जो जगह है वहां पर भी पहुंच चुकी है। तो यहां पर बात करते हैं बॉम्बे के अंदर, तो बॉम्बे के अंदर जो है सड़क मार्ग से आ रहा है। जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो है ट्रक स्पेशल ट्रक है। जी फ्रेंड्स, बॉम्बे के अंदर जो है कूल एक्स कोल्ड चैन लिमिटेड कंपनी के जो ट्रक है स्पेशल ट्रक, उनके थ्रू आ रही है। वहीं पर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में भी 2,76,000 डोज पहुंच चुकी है। जी फ्रेंड्स, 287 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि अहमदाबाद, भावनगर और गांधीनगर ये चिन्हित किए गए हैं पहले जो 16 जनवरी से लगने वाली है वैक्सीनेशन इनके लिए। वहीं पर बात करते हैं लखनऊ की। जी फ्रेंड्स, आज 4 बजे लखनऊ में भी पहुंच चुके हैं। जी फ्रेंड्स, 60,000 डोज है ये जो है ILR लेके जाया जाएगा। जी ILR यानी कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो कि स्पेशल बनाए गए थे स्टोरेज के लिए, 10 लाख की लागत से ये बनाया गया था। वहीं पर बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी जो है स्पेशल विमान से पुणे से रवाना हो चुका है 5.56 लाख डोज। वहीं पर बात करते हैं पटना की। जी फ्रेंड्स, पटना में भी पुणे से जो है स्पेशल विमान के थ्रू जा रहे हैं 4.62 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने रजिस्ट्रेशन किए थे पहली खुराक, जो कि 16 जनवरी लगने वाली है सभी के अंदर वैक्सीनेशन उसके। वहीं पर बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता में भी 6,89,000 वैक्सीनेशन जा चुकी है, वहां पर भी जो 241 चेन पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। जी फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में भी 3.86 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीनेशन के लिए, जो कि 16 जनवरी से होगा। और यहां पर जो है 1940 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन। वहीं पर बात करते हैं हैदराबाद की। जी फ्रेंड्स, पुणे से हैदराबाद के लिए भी वैक्सीनेशन जा चुकी है। जी फ्रेंड्स, 2,90,000 स्वास्थ्य कर्मियों पर ये वैक्सीनेशन पहली डोज लगेगी। जी 139 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। इस तरह से ये जो वैक्सीनेशन है 16 जनवरी से जो होने वाला है ये महाअभियान है देश का ही नहीं पूरे विश्व का, क्योंकि देश में ये सबसे बड़ा अभियान है। क्योंकि इससे पहले लगभग 4 हफ्तों से जो है लगभग 50 देशों के अंदर वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर पहली बार इतना बड़ा हो रहा है कि पूरे विश्व के अंदर जो है ये महाअभियान है। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इस लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर जो है एक साथ काम हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकार और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है इसके साथ में ही जो दिन रात लगे हुए हैं इंस्टीट्यूट वाले जो सीरम बनाने के लिए, उनको भी जो है तहे दिल से धन्यवाद है। और आप सब इंतजार करिए कि सबका नंबर आने वाला है, सबको जो है डोज लगने वाली है, क्योंकि जो कोविड 19 का वायरस है ये पूरे देश में तभी जाएगा जब एक एक बंदे की जो है वैक्सीनेशन लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू अभी के लिए। इस तरह की न्यूज आपको मिलती रहेगी, देखते रहिए टेक इन सी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और जो इसको शेयर कर दीजिए सभी में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते रहे वीडियो के साथ में।